सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर एंड वेलकम टू अगेन माय चैनल। एंड गाइस, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि ये चैनल बहुत ज्यादा बुरे टाइम से गुजर रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए गाइस, और आपके लिए कोरिया रिलेटेड कंटेंट बहुत खतरनाक लेवल पे आने वाला है। बस 1 ईयर का टाइम चाहिए, उसके बाद आपको एक अलग लेवल पे कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। कोरिया से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरीके का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइस, मैं बता दूं, आज मैं जिस कोरियन ड्रामे का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है होप और डोप। गाइज, ये कोरियन ड्रामा एक बहुत ज्यादा यूनिक है। तो गाइज, चलिए गाइज की बात करते हैं, इस कोरियन ड्रामा से रिलेटेड क्या आपको देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। सो इससे रिलेटेड सारी बात करेंगे। सो गाइज, की स्टोरी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड से, जो कि गाइज बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में, और पैसा तो बस यूं ही उड़ाती रहती है। और गाइज, बात करें हमारे मेन लीड की, तो जिनको हमने ऑल ऑफ अस आर डेड में देख रखा है, पता नहीं उनका क्या नाम होता है, लेकिन इसमें इनका एक बहुत अलग सा रोल है, टीनेजर वाला रोल है। वेल, उसमें भी था इनका। वेल गाइज, अब मैं बात करते हैं स्टोरी पे। तो गाइज, जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं है, मतलब सब समझते हैं हमारी मेन लीड बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आफ्टरऑल उनकी माँ बहुत ज्यादा अमीर है। सो गाइज, इसमें हमें यही एक्सप्लोर करना है, फर्स्ट थिंग कि उसकी माँ इतनी अमीर हुई कैसे, और सेकंड थिंग, अगर उसकी माँ इतनी अमीर है और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर वो लड़की खुश क्यों नहीं है, क्यों उसे अपनी माँ से नफरत है और क्यों वो इतना डरती है अपनी माँ से। अब ये सारा देखना पड़ेगा आपको। वेल, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने कोरियन ड्रामा देख रखा है। वेल, मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन ये बता दूं कि उसके माँ का एक डार्क सीक्रेट है जिसकी वजह से उसकी और हमारे मेन लीड की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। वो कुछ डी से रिलेटेड है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप जाकर के इस कोरियन ड्रामा को देख करके समझ जाना कि क्या है डी और क्या है इससे रिलेटेड बातें। वेल, अब बात करते हैं स्टोरी से रिलेटेड, अब बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से रिलेटेड। तो पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1, दिस इज वेरी अमेजिंग ड्रामा। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा कमाल का है। मतलब सीरियसली, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके का ट्विस्ट होगा। मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, इसकी मसाई को होगी फलाना ढिमकाना, इसलिए वजह से इसलिए पसंद नहीं करती। इनफैक्ट मेरे को तो फर्स्ट एपिसोड में ये भी लगा था कि तो पागल और लड़की है, इसकी माँ इतनी अमीर है और ये कितनी खुश रहती है, फिर भी ये अपनी माँ से क्यों इतनी नफरत करती है। मुझे रन मूवी की तरीके से याद आया, जो रन हमने देखी थी हॉलीवुड की मूवी, होपफुली आपने भी देखी होगी, मास्टरपीस मूवी, देखना। सो उसी तरीके की फीलिंग आ रही थी कि क्या पता इसकी माँ का कोई डार्क सीक्रेट हो, इसकी माँ साइको हो उस टाइप में, इसकी वजह से नफरत करती है, लेकिन इसका तो कोई और एक और ही वजह निकली। अब वो क्या वजह है आप देखना। तो गाइज, ये मुझे प्लस पॉइंट लगा। सेकंड प्लस पॉइंट, दोनों की एक्टिंग, जिस तरीके से वो अपनी एक्टिंग में इमोशंस दिखाते हैं, और डायरेक्टर का बेस्ट चीज कि जिस तरीके से हमें स्टार्टिंग में दिखाई देता है कि दो लड़का लड़की पकड़े गए हैं, पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद जब फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिरकार वो सिचुएशन तक कैसे पहुंचे, इट्स अमेजिंग। स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी बन जाती है कि ऐसा क्या हो गया कि जो टीनेजर बॉयज को या टीनेजर बॉय और गर्ल्स को पुलिस को पकड़ना पड़ गया। सो ये सारी बात, और फिर लास्ट में वो ये क्यों कहती है कि मुझे मेरी जिंदगी मेरी मोम ने खराब कर दी। तो ये सारी बातें जानने के लिए मिलेंगी आपको इस कोरियन ड्रामा में। अब आप मेरे को बता सकते हो कि आपको ये कोरियन ड्रामा कैसा लगा। मैं अपनी बात करूं, मुझे मास्टरपीस कोरियन ड्रामा लगा अभी तक के एपिसोड के सबसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी आगे भी क्यूरियस हूं कि इसके बाकी के एपिसोड्स में क्या देखने के लिए मिलेगा। इसका बाकी का जो भी होगा मैं आपको शो कर दूंगा, कितने एपिसोड है, कितने नहीं है, कहां पे शो आएगा, वो सब आपको शो होगा। और जैसा कि बताया, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलेगा, इसी तरीके की ड्रामा रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और इसी तरीके के ड्रामा वीडियो मैं और भी बना चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं, लेजेंडरी के ड्रामास का रिव्यू कर दिया है। तो फिर मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।